हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि NETS अप्रेंटिसशिप कैसे करें और NETS में अप्रेंटिस करने के लिए कंपनियों को कैसे चुनें। ठीक है, तभी तो आप कर सकते हो। जैसे टाटा मोटर्स, बजाज, सनसेरा, सोना कंपिस्टर, बहुत ऐसी कंपनियां हैं, ठीक है, जो आपको अप्रेंटिसशिप कराती है। तो उसके लिए यदि आप डिप्लोमा या ITI BTEC कर रखे हैं तो अप्रेंटिसशिप के लिए NETS का पहले हम फॉर्म अप्लाई करते हैं, मतलब एक ID बनाते हैं जो कि NETS जो है अप्रेंटिस कराती है। ठीक है, ये पोर्टल तो देखिए, जैसे कि हमने NETS से बना रखा है अपनी ITI, ठीक है। तो चलिए हम आज कंपनी के बारे में बताते हैं, कंपनी को कैसे चुने ताकि हमें अप्रेंटिसशिप का मौका मिल जाए, ठीक है, उस कंपनी में काम करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लॉगिन कर लीजिए अपना ईमेल ID या पासवर्ड। यदि आप पासवर्ड भूल गए तो इसका वीडियो मैं पिछली वीडियो में मतलब बनाया था, वहाँ से आप देख सकते हैं कैसे आप फॉरगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लाइन पे हम ओपन क्लिक करेंगे, ठीक है। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंडस्ट्रियल का आइकान है, इस पर क्लिक करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट में क्लिक कर दिए हैं, फाइंड इस्टेब्लिशमेंट में क्लिक करेंगे, ठीक है, सबसे ऊपर वाले। चलिए मैं आपको फिर से दिखा देते हैं। यहाँ इंडस्ट्रियल पे क्लिक करेंगे, फाइंड फाइंड इस्टेब्लिशमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए प्रेफरेंस है, यहाँ पे अपना एजुकेशन जो आप डिप्लोमा या ग्रेजुएट जो भी किए हैं BTEC वगैरह, तो डिप्लोमा पे सेलेक्ट करेंगे, ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ से सेलेक्ट ऑप्शन, यहाँ से ब्रांच भी अपना सेलेक्ट कर सकते हो। खैर, इससे थोड़ा मतलब बहुत ही कम कंपनियाँ आ रही हैं जो अप्रेंटिसशिप करा रही हैं, 2-4 कंपनियाँ आ रही हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे मैकेनिकल अभी चूज कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मैकेनिकल जो आप इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल जो भी किए हैं, सिविल से किए हैं, तो उसका भी यहाँ पे यम से सर्च करेंगे। जैसे आपका सिविल है तो सी से होगा, ठीक है। और यहाँ पे चलिए हम अपना जो ब्रांच है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से बहुत कम कंपनियाँ इसमें आ रहा था, फिर भी आपको दिखा देते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल, जिसका ऑटोमोबाइल होगा वो ऑटोमोबाइल सेलेक्ट करेगा। हम प्रोडक्शन हैं, प्रोडक्शन से सेलेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे ये देखिए सर्च सर्च का आइकॉन, इस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्वराज, ये सब अप्रेंटिसशिप करने के लिए इसमें अवेलेबल है कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे करना होगा तो आप कैसे करोगे, ठीक है। ये डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट को मतलब जो BTEC किए हैं उनके लिए भी है, ठीक है। 108 वैकेंसी खाली है, सॉरी 15 है, डिप्लोमा में 25 है, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, इस पर आप अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा स्वराज डिविजन्स, ठीक है, यहाँ अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। और ये अप्लाई हो गया है, ठीक है। इसको हम बाद में आपको दिखाएंगे कैसे। यहाँ पे देखिए लिखा है सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर ट्रेनिंग पोजीशन, ठीक है, यहाँ पे आपने अप्लाई कर दिया है, ठीक। तो हम फिर से आते हैं बैक, पूरा काटेंगे। अगर बैक करेंगे मोबाइल से, आप मोबाइल के ऑप्शन से, तो पूरा ये आपका जो है फिर से ओपन करना पड़ेगा, ये NETS का पोर्टल, ठीक है। देखिए हम इस पे जाते हैं, जैसे हम यहाँ पे डिप्लोमा सर्च कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपनी जो ब्रांच है, ठीक है, ब्रांच जो आपने इलेक्ट्रिकल या CS वगैरह से जिससे भी आप किए हो, यहाँ पे आप सिलेक्ट करना होगा आपको। तो चलिए यहाँ पे मैकेनिकल प्रोडक्शन, ओके, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। इस बार मैं डिप्लोमा सिलेक्ट किया हूँ, वैसे आ जाता है डिप्लोमा हो या ग्रेजुएट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो JKT कंपनी है कोई, ठीक है। HCL टेक्नोलॉजी लॉजिक्स लिमिटेड है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड है, बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं। तो ऐसे में जो मतलब यहाँ पे जो है ना कंपनी थोड़ा कम दिखेगा, ठीक है। नपीनो ऑटो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी है, ये महिंद्रा का दूसरा कंपनी है, मतलब दूसरा प्लांट है। तो यहाँ पे ये भी पंजाब में ही है, देख सकते हो
हेला इंडिया ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, तो ये कंपनी है हरियाणा में गाइस, ठीक है। ये भी अप्रेंटिस कराती है, यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। महिंद्रा एंड महिंद्रा ये कंपनी कहाँ पे है यहाँ पे देख सकते हो, ये भी पंजाब में है, शहीद भगत सिंह नगर में, ठीक है। HCL टेक्नोलॉजी ये भी उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है, यानी ये आपका नोएडा में पड़ेगा गाइस ये कंपनी, तो यहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए अप्लाई करने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा का है, तो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 8-6 वैकेंसी हैं ग्रेजुएट बीटेक और डिप्लोमा के लिए, तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर दोगे, ठीक है, और यहाँ पे अप्लाइड हो जाएगा। वो अपना पोर्टल, वो अपनी कंपनी की जो पोर्टल होता है, जो भी सिस्टम होता है, देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर ट्रेनिंग पोजीशन बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, यू विल बी कॉन्टेक्ट बाई कनेक्टेड बाई द इस्टेब्लिशमेंट। मतलब अपना जब जब अपना साइट ओपन करेंगे, देखेंगे अप्रेंटिसशिप के लिए कितने लोग अप्लाई किए हैं, तो उस हिसाब से चूज करके आपको एक लेटर ईमेल पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन एक और है कि बहुत ही ईजी है, बहुत ही अच्छा है, वो कैसे करेंगे, वो सबसे बेस्ट है। जैसे कि आप सीधे जैसे यहाँ पे आएंगे, दो ऑप्शन आता है प्रिफरेंस का, इस्टेब्लिशमेंट नेम का, तो इस पर हम टिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे टाटा मोटर्स, ओके टाटा मोटर्स यहाँ पे सर्च कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कंपनी कहाँ कहाँ की ओपन होकर आई है, उत्तराखंड उद्धम सिंह नगर का है, ये झारखंड का है, और ये कंपनी है कहीं डिस्ट्रिक्ट है हुगली, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है ये महाराष्ट्र पुणे का है, ठीक है। टाटा मोटर्स यहाँ से आप देख सकते हो किस किस ब्रांच को ये ले रही है, ठीक है, बहुत ही आप अच्छे से देख कर अपने अप्लाई कर लेगी कर लीजिएगा, ठीक है। ये अहमदाबाद गुजरात के लिए है, ये उत्तराखंड उद्धम सिंह नगर के लिए है, ये भी पुणे में है। तो चलिए हम उद्धम सिंह नगर के लिए अप्लाई करते हैं, एक बार देखते हैं यहाँ पे है कि नहीं है अप्रेंटिसशिप के लिए। है यहाँ पे अभी वैकेंसी चल रही है, ठीक है, अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। डिप्लोमा के लिए वैकेंसी है, बीटेक के लिए एकदम नहीं है, सब 0-0 है, जो ग्रेजुएट काउंट लिखा है ना यहाँ पे सब 0 लिखा है, तो बीटेक वाले अभी नहीं जा सकते हैं वहाँ पे अब, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। लिखा है टाटा मोटर्स लिमिटेड पंतनगर उत्तराखंड, ठीक है, और यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर दिए, तो यहाँ पे अप्लाई हो गया है, ठीक है, सक्सेसफुली अप्लाइड लिख दिया है, ठीक है। फिर ऐसे ही फीडबैक आएंगे, बहुत सारी कंपनी, कम से कम 50 कंपनियों का पूरा सेलेक्ट कर लो, ठीक है, 2 महीने के अंदर कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, नहीं आता है तो फिर से अप्लाई करना है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे फिर इस्टेब्लिशमेंट नेम में जाना है, फिर यहाँ पे लिखना बजाज, सिर्फ बजाज ही लिखो, देखो आता है कि नहीं, सर्च पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पे आ गया है बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनी। ये कहाँ कंपनी है, ये भी उत्तराखंड में है कंपनी बजाज ऑटो लिमिटेड, ये बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड है, बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड लखीमपुर खीरी में है, ये बजाज मोटर्स लिमिटेड हरियाणा में है, तो कृष्णा बजाज ऑटो ये भी हरियाणा में है। इस सब मतलब ये जो कंपनी अप्रेंटिस करा रही है इस समय, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। खैर मैं अप्लाई नहीं करूँगा अभी फ़िलहाल, ठीक है, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए ये सब दिखाने के लिए किया है। और चलिए मैं एक कंपनी को, ये जो है उद्धव सिंह नगर का, इसको मैं इस पर मैं अप्लाई करता हूँ एक बार। अप्लाई पे क्लिक कर दिया है, और यहाँ पे अभी है टेक्नीसियन, मतलब ये जो डिप्लोमा किए हैं उनके लिए अभी 61 है, ठीक है, प्रोडक्शन इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इस सब में है, बहुत सारी वैकेंसी हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, इनके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, जब ज़रूरत होगी तो आपको मैसेज कॉल लेटर वगैरह भेज देंगे ये, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, कम से कम 25 तो 50 कंपनियों को सिलेक्ट कर ही लो आप, ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द ट्रेनिंग पोजीशन के लिए लिख रहा है, ठीक है। तो आप कर सकते हो, इजी था बहुत। और चलिए हम देख लेते हैं किस किस कंपनी के लिए हम अप्लाई अभी तक कर चुके हैं। यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट स्टेटस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे दिख जाएगा। अभी हमने चार कंपनियों के लिए अप्लाई किया है और मेरे रिक्वेस्ट में पड़े हैं जो कि अभी एक्टिव हैं, ठीक है। मैंने बजाज के लिए अप्लाई किया है, महिंद्रा एंड महिंद्रा स्वराज डिवीज़न के लिए, टाटा मोटर्स कंपनी के लिए, ठीक है। ये चार कंपनियां हैं जिसमें से कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर से हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप भी ऐसे अप्लाई कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि हम कैसे NTS अप्रेंटिस कर सकते हैं, कैसे कंपनी को चूज कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में गाइस।